नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं वेद प्रकाश पांडे आज आपको जनपद मथुरा के एक ऐसे उद्यान में लेकर आया हूँ जो कि राजकीय उद्यान है और इसको जवाहर बाग के नाम से जाना जाता है। जवाहर बाग ये एक बहुत बड़ा प्रकरण था, क्या कांड था वो बाद की बात है, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, किस लिए आए हैं, देखिए मैं इस वक्त मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़ा हूँ। आखिर इस उद्यान की विशेषता क्या है और यहाँ पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्यों लाना चाहता हूँ इसको मैं बताऊँगा। इसके लिए हम सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उद्यान के अंदर। द्वार से अंदर जाते वक्त अब हम इस वक्त ये पैदल मार्ग पर आ गए जो कि सीधे हमें सेंटर स्क्वायर पर पहुंचाएगा और वहां से जितना भी मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया कि किस तरीके से कौन सा एरिया किस हिस्से में बटा हुआ वो दिखाएंगे। यहां पर सुबह की अगर बात करें तो सुबह यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं जो यहां पर आकर सुबह जॉगिंग करते हैं, क्योंकि यहां पर ट्रैक है बहुत अच्छा जहां पर कि लोग जॉगिंग करते हैं और साथ ही अपने मन को शांत भी करते हैं। तो आगे और लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं मेडिटेशन पॉइंट जहां पर जो लोग जो हैं जो सुबह आते हैं वो वहां बैठकर मेडिटेशन भी करते हैं। देखा आपने कितना सुंदर दृश्य है जवाहर बाग का, अभी आपने स्लाइड्स देखी और ये यहाँ की इस वक्त की नेचुरल तस्वीरें हैं। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम आपको यहाँ पर क्यों लेकर जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जून 2016 के अगर समय को हम याद करें जहाँ पर कि दो हमारे जनपद मथुरा के जो पुलिसकर्मी थे शहीद हुए, साथ ही 22 उपद्रवी जिनको कि यहाँ पर जिन्होंने अपने आप को सुभाष चंद्र बोस के जो संरक्षक मानते थे उन लोगों ने, जो कि जय गुरुदेव के अनुयायी थे रामवृक्ष यादव, और ऐसे ही कुछ बहुत से लोग थे जिन्होंने कि यहाँ पर एक डेरा सा जमा रखा था, इस जवाहर बाग को घेर रखा था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई की गई उसके बाद इस जवाहर बाग को खाली किया गया और अब का जो स्वरूप है इस वक्त हम देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर स्वरूप है। और मैं आप सभी को इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप जब भी कोई ऐसी जगह देख रहे हैं, प्लेस ऐसा जगह देख रहे हैं जहाँ पर आप बैठकर मन को शांति कर सकें, साथ ही आप अपने आप को एक अध्यात्म की ओर अग्रसर कर सकें, और यदि आपके साथ बच्चे आते हैं तो और अच्छी बात है। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पार्क हैं, झूले हैं जो कि आपके स्क्रीन पर चल भी रहा है और देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये जो पार्क आप झूले देख पा रहे हैं ये बच्चों के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं। साथ ही आपको हम लेकर चलते हैं जिम की तरफ। देखिए यहाँ पर ये जिम भी है और यहाँ पर बच्चे क्या हैं और बच्चे क्या, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर आकर जिम कर सकता है, यानी कि वो इस तरीके की जो है एक्सरसाइज अभ्यास व्यायाम कर सकता है जिससे कि शरीर को उसको लाभ मिले। आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो है ये केंद्र है और यहीं से यहाँ पर सारे जो है रास्ते दिखाए गए हैं कि कौन सी जगह आपको किधर जाना है, और ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। और आप जब यहाँ आते हैं तो इस जगह पर मैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, देखो आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पर, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आप जानते हैं, सूर्य नमस्कार आसन एक योग आसन है
और जिसमें कि बहुत सारे आसन हैं जो आपको करने से लाभ मिलता है, मन को शांति मिलती है, बुद्धि तेज होती है, शरीर में जो है हष्ट पुष्ट शरीर होता है हमारा, साथ ही बुद्धि का विकास भी होता है। और छात्रों के लिए तो सूर्य नमस्कार आसन का करना बहुत ही ज़्यादा जो है उपयोगी माना गया है। गुरु रामदेव बाबा जो जो आचार्य हैं वो भी बताते हैं कि सूर्य नमस्कार आसन करने से बच्चों में जो स्ट्रेस होता है वो भी, तनाव भी जो है दूर होता है। तो जो भी दर्शक जो ऑडियंस है हमारी इस यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ी हुई है और इस वीडियो को देख रही है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी मथुरा आएँ जवाहर बाग जरूर आएँ। और यदि आप मथुरा में रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, आप जवाहर बाग आएँ और देखें कि कितना सुंदर जो है यहाँ पर दृश्य है प्राकृतिक। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि फलों के वृक्ष हैं यहाँ पर, बेर है, आम है, आंवला है, बहुत सारे हैं। आप आएँ और खुद से देखें और आप भी हमारी तरह यहाँ जवाहर बाग में आकर इंजॉय करें।